एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे का एक संसद में दिया हुआ भाषण खूब वायरल हो रहा है। यह भाषण उन्होंने कविता के शक्ल में दिया और राम मंदिर को लेकर के दिया। एक बार आप भी इसे सुनिए। तो किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर रामलल्ला की दर्शन की आस लगाए, चल पड़े अयोध्या की ओर रामलल्ला के दर्शन की आस लगाए। जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए। वो 3 मंजिले, 400 खंबे, 32 सीढ़ियां, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे, रामलल्ला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था, कहीं महिला कुश्तीगिरों की वेदना थी, कहीं सालाना 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, कहीं बढ़ती सांप्रदायिकता थी।